मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे पुनः आप सबके लिए वैभव ठाकरे पाटिल जी की तरफ से आप सबके लिए PSY 217 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ, जो मई 2018 में हुआ था, अर्थात पिछले वर्ष। 3 घंटे का पेपर, 80 मार्क का पेपर है। आंसर के साथ ये पेपर आपको मिल रहा है। जस्ट टेक्स्ट बुक ओपन करिए, टिक करिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद पॉज करके आराम से वीडियो देखिए। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। आप लोगों को बहुत सारा प्रेम सम्मान कमेंट्स मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। खालील पाई की कोड़ते हैं 4 प्रश्न, उप्रश्न 16। पहला है अतिशिष्टिच परिणाम। अतिशिष्टि क्यों होता है? पालक बनवाड़ाचे निकष कोणते वो लिखिए, पेज 2 पर है। घटक एक दो के हैं। तान्य बाढ़ कारण थे, नवजात चैप्टर से है ये, घटक 3 से। बाल गीता चे निकष स्पष्ट करा, घटक 10 से है, भाषा कौशल्य से है। 3 वर्षाच्या मुलाचा सामाजिक व भावनिक विकासासाठी लक्षणे कोणती? 3 वर्ष के छोटे बालक के लिए सामाजिक और भावनिक विकास के लक्षण कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूँ, यह जो चैप्टर है साइकोलॉजी, हिंदी में इसको मनोविज्ञान कहते हैं। BA में कोर्स रहता है, जनरली मनोविज्ञान में प्रैक्टिकल भी होता है और बहुत बढ़िया विषय है। सबसे पहले आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ। चैप्टर के बाद ये 4 क्वेश्चन बताने के बाद मैं बताऊँगा कि 2019 में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि साइकोलॉजी आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि आप खुद अपने आपको एक समाज का अभिन्न हिस्सा नहीं मानते या परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं। खुद एक उस फैमिली के मेंबर बन जाइए, तब इस सब्जेक्ट को पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए वीडियो आराम आराम से बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें, नोट कर सकें और इसका सदुपयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। पहला है मुलांचा विकासास खेड़ कसा सहाय भूत होता, उसके विकास में बालक की खेल कैसे किस प्रकार से सहायता करता, किस प्रकार से सहयोगी सिद्ध हो सकता है। कारक क्षमता मंजे का है, कारक मतलब कार्य करने की क्षमता, कारक विशाख कौशल चैप्टर का नाम है। अगला है भाषा विकासावर परिणाम करणारे घटक, भाषा के विकास में कौन कौन सी चीजें उसके विकास के परिणाम में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी घटक आवश्यक है, ये अपनी भूमिका निभाते हैं। पेज 55 पे भाषा चैप्टर से लिया है। भाषा शिक्षाची तत्व सविस्तार लेहा, भाषा शिक्षण्याची कौन सी भाषा सीखने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं, ये भाषा विकास चैप्टर से उठा लिया गया है। भाषा विकास आती है कहीं समस्या, पेज 64 पे आई है, घटक 23। बुद्धिमान कसौटियाचे प्रकार स्पष्ट कर, कौन कौन से प्रकार के होते हैं बुद्धिमान कसौटी, घटक 24 बुद्धि विकास चैप्टर से ले लो या बुद्धिमापन। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। रुकिए, इंपॉर्टेंट बताएंगे, आराम से घबराइए नहीं, मेरा वीडियो आप इतना मानने से देखा करिए, टेंशन ना लिया करिए, जो डाउट हो उसके बाद तक कमेंट करना, फिर वो वीडियो देखने के बाद। भावनिक विकास अच्छे मुख्य टप्पे कौन थे, किसी की भावना का जो विकास है किस तरह से बढ़ती है घटती है। कुछ लोग आप लोग देखते होंगे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा एक शब्द बोल दोगे तो आप उससे महीनों साल भर बात नहीं करेंगे, और कुछ लोग कुछ भी दो गाली दो मारो कुछ फर्क नहीं पड़ता भी आते हैं। तीसरे का भी न्यूनगंड निर्माण होने अच्छी कारण होते हैं, ये न्यूनगंड किस तरीके से निर्माण होता है, क्यों होता है, ये पेज 55 पे आपको मिल जाएगा, घटक 23 भाषा से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पालकानी करु नैत अशागोसी, माता पिता को या पालक को पालने वाले को क्या नहीं करना चाहिए, इस बुक के हिसाब से लिखो। आप तो खुद भी ये सब सारे प्रश्न जो हैं अगर अच्छे से एक बार पढ़ लिया जाए ना, इतना बढ़िया आंसर लिखो कि 80 में 80 मार्क आएगा। बाड़ाचा धोखाचा लक्षणें कौन थी, ये लिखिए, बाड़ाला धोखाचा लक्षणें कौन थी, वो है किस घटक से, बाड़ाचा घटक 2 एक बार और एक क्वेश्चन आ चुका है, घटक 3 है, नवजात बालक का है, सामाजिक भावनिक विकास हो गया, सामाजिक भावनिक विकास हो गया,
घटक 15 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मूळाच्या कारक विकासावर परिणाम करणारे घटक स्पष्ट करें। इसका आंसर आप लोग लिखिए, देख लीजिए बुक में चैप्टर के साथ, भगवान जी दिया है पेज 56 घटक 9 शारीरिक विकास। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में विथ आंसर। पुरुषाच्या 23वा गुणसूत्राच्या जोडीला लिंग गुणसूत्र म्हणतात। ये DNA का 10th का चैप्टर का है। आप जानते हैं कि सभी यक्स 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 होते हैं, लास्ट में अगर XY हो गया तो लड़का होता है। ये लिंग गुणसूत्र इनको इसलिए कहते हैं कि उसी गुणसूत्र से निर्धारित होता है कि लड़का होना है या लड़की होनी है। ये कैसा है कि ये जीन में क्या होता है, क्या घटक होता है, जो साइंस स्टूडेंट जानते हैं। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से समझा दिया गया। काटक कौशल्य शिकण्याचे फायदे, ये काटक कौशल्य जो है इनको सीखने के फायदे क्या हैं, लिखिए। जो चीज़ें नहीं मिल रही बुक में उसको गूगल से सर्च मार के देख लो। उच्चार चांगले होण्यासाठी कोणते व्यायाम करता है थी। आप अच्छा बोलें, अच्छे शब्द निकलें, शुद्ध स्पष्ट निकलें, जो बोलो कि एकदम सामने वाले को आनंदित कर दें, ऐसा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सा व्यायाम होता है। घटक 23 भाषा विकास समस्या से ले लो। अगला, वैयक्तिक बुद्धिमापन चाचणी व सामूहिक बुद्धिमापन चाचणी। देखो वैयक्तिक मतलब होता है पर्सनल और सामूहिक होता है ग्रुप में। इन दोनों के यातील भेद स्पष्ट कर, इन दोनों में, दोनों की बुद्धिमत्ता के मापन में, वैयक्तिक बुद्धिमान मापन चाचणी व सामूहिक बुद्धिमापन चाचणी, इसमें भेद स्पष्ट करिए। एक पेज में दो लाइन कर देना या ऊपर नीचे नंबर डाल करके लिख देना। खेल मंजे का है कोणते ही प्रकार स्पष्ट करें। खेल ऐसी चीज़ है जो आपके शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है, तेज करती है, उसे ही खेल कहते हैं। बुक में और अच्छा डेफिनेशन दिया है, तीन प्रकार के खेल स्पष्ट। तो आपने अगर ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखा तो मैं अभी बता रहा हूँ किस किस पर पेपर बनेगा, अभी सुन लीजिए। पालक शब्द पर, पालक बनना है, कैसे बनना, अच्छा पालक बुरा पालक, इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन आएगा। पॉइंट 1, बालक के सामाजिक व भावनिक विकास, छोटे बालक के यहाँ मूलांचा, इस पर आपको 2 क्वेश्चन आएगा। छोटे बालक के यहाँ सामाजिक और भावना भावनिक विकास आचे लक्षण पूछ सक लक्षण पूछ सकता है, कैसे बढ़ता है ये पूछ सकता है। 2 हो गया। भाषा विकास पर 100% एक क्वेश्चन आएगा, भाषा विकास पर मिनिमम 1 क्वेश्चन। पालक पर बता दिए, बालक पर बता दिए, मूलांचक कारक विकास पर बता दिए ना, कारक, हाँ अच्छा ये हो गया। अभी कारक क्षमता पर एक प्रश्न बनेगा, कम से कम एक, वैसे 2 भी क्वेश्चन आ सकता है। कारक पर 2 क्वेश्चन आएगा और बुद्धिमापन से लेकर के 1 क्वेश्चन कम से कम बनेगा, ठीक है। और खेल शब्द से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाला है, और बच्चे के जीवन किस तरह प्रयोगी। तो खेल हो गया, बचपन के ऊपर 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन खेल के ऊपर आएगा। उच्चारण भाषा कौटिल्य चैप्टर से, भाषा कौशल चैप्टर अवश्य पढ़ें, डोंट इग्नोर दैट चैप्टर, भाषा कौशली जरूर पढ़ो, और भाषा भाषा और भाषा कौशली जरूर पढ़ो। अगर आप कुछ नहीं समझ रहा है तो आपके पास प्रिपरेटरी बुक होगी, वो पढ़ लेना, बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये समझो घर में जब बालक जन्म लेता है तो किस तरह से उसकी पढ़ाई होती है, परवरिश होती है, उसको समाज में हम लोग अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी से अच्छी जगह जाते हैं। ध्यान दिया जाए तो देखा जाए कि हम लोग अपने छोटे बच्चों को किसी गड़बड़ आदमी से मिलने नहीं देते हैं जो कि समाज में गंदा है, इसीलिए कहीं उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाए। मित्रों, देखने मात्र से बच्चे का जीवन बदल सकता है। एक बार महात्मा गांधी जी ने हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा, उससे उनकी जीवन शैली बदल गई, तब से उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो चीज़ें देखने मात्र से शरीर, मतलब साइकोलॉजी, मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, जिसे कुछ लोग टीवी देख करके, सीरियल्स देख करके उनके विचार बदल जाते हैं, परिवार में मतभेद पैदा कर बैठते हैं। वही है साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दुष्परिणाम कह लो या क्या कह लो, मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर। आप लोग खुद एडल्ट्स हैं, सब 18+ हैं, सब जानते हैं कैसे चीज़ें हो रही हैं। आप सभी से अनुरोध है कि दूसरी जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उससे दूर बचें, और संस्कार अच्छे पालें, अच्छे धर्म ग्रंथ पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, ताकि एक अच्छे समाज का विकास हो सके। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और हमारे
जल्द ही मिलेंगे इन टॉपिक्स पर। अगर आपको कोई डाउट है तो मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।